गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला देना इन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो कितने तरह का होता है, कैसे पहचानते हैं, उनका काम क्या है, इन सारी चीजों का अध्ययन बारी बारी से किया जाए। शब्दों से वाक्य बनता है, ठीक, यानी जो भी शब्द वाक्य का निर्माण करना होता है तो शब्दों का एक समूह लिया जाता है और प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का अलग अलग कार्य भी होता है। कारण शब्दों से वाक्य बनाते हैं और प्रत्येक वाक्य के अंतर्गत शब्दों का अलग अलग कार्य होता है। इस कार्य के अनुसार यानी जो काम वाक्य में करता है उसके अनुसार शब्दों को 9 भागों में बांटा गया है। यानी कार्य के अनुसार वाक्य में जो शब्द आए हुए हैं वो कौन कौन सा काम करते हैं उसके अनुसार उन शब्दों को 9 भागों में बांट दिया गया है। पहला नाउन संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, चौथा आर्टिकल अग्रशब्द या उपपद, अग्रशब्द या उपपद, एक सेकेंड, इसकी हिंदी में आर्टिकल हो गया उपपद या अग्र शब्द। पांचवा वर्ब क्रिया, छठा एडवर्ब अव्यय क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी कार्य के अनुसार शब्दों को 9 भागों में बांटा गया, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन आर्टिकल और इंटरजेक्शन, ये 9 भागों में इनको बांटा गया है। नीचे नोट दिया वर्ब के पार्टिसिपल हो या जीरंड हुए या इन्फिनिटिव के जो रूप होते हैं वह डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। यानी वर्ब से बनने वाले जो इन्फिनिटिव है, जीरंड है, पार्टिसिपल है, इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि ये 2 काम करते हैं वर्ब के अलावे, यानी क्रिया के अलावे नाउन का भी कोई काम कर देता है, एडजेक्टिव का काम कर देगा या एडवर्ब का काम कर देता है, इसीलिए डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। यानी वह एक साथ 2 काम करते हैं, उसी को नॉन फाइनाइट वर्ब भी आप कहते हैं। अब आइए नाउन पर, डेनाउन, पहला डेनाउन परिभाषा क्या, डेफिनेशन। ए नाउन इज ए वर्ड, संज्ञा एक शब्द होता है, नाउन इज ए वर्ड एज दी यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। करा नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज, प्रयोग किया गया एज द नेम ऑफ, नाम के रूप में व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का। हिंदी में परिभाषा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। नीचे नोट दिया कि वस्तु एक व्यापक शब्द है ना, वस्तु शब्द है, वो व्यापक अर्थ में है, इसके अंतर्गत देश आ जाता है, स्थान, नदी, पहाड़ तथा वे सभी वस्तुएं आ जाती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं और जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, वे सारी वस्तुएं, वे सारी चीजें वस्तु के अंतर्गत आ जाते हैं। नीचे कुछ उदाहरण लिखा है, रीता इज ए वाइज गर्ल, इसमें रीता क्या है, प्राणी का नाम है।
है ना। रीता एक प्राणी का नाम है। मुंबई इज ए बिग सिटी, मुंबई स्थान का नाम है, मुंबई एक बड़ा नगर है। द डोर इज मेड ऑफ आयरन, दरवाजा लोहे का बना है, इसमें डोर क्या वस्तु का नाम है। चौथा ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है यह एक गुण का नाम है, उसे ईमानदारी के लिए जाना जाता है। पांचवा पॉवर्टी इज ए कर्स, गरीबी एक अभिशाप है, यहाँ पॉवर्टी दशा का नाम है। दिस वर्क इज डिफिकल्ट, वर्क कार्य का नाम, दिस वर्क इज डिफिकल्ट। और उसके बाद सोनू इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास क्या है एक समूह का नाम है क्लास। आठवा फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स एक कठिन विषय, उसे फिजिक्स क्या है एक विषय का नाम है। अब निम्नलिखित को ध्यान से जरा पढ़िए कि किन किन चीजों को आप नाउन कहेंगे। प्राणियों के नाम नाउन के अंतर्गत आते हैं, जैसे मोहन है, सोहन है, गीता, रीता, यानी किसी प्राणी का नाम, मोहन, गीता, सीता नहीं, तो किसी का नाम आप लेंगे वह नाउन कहलाएगा। अब प्राणियों के नाम में पशुओं के नाम भी आएंगे, लायन है, डॉग है, हार्स है, काउ है, काफ है, बुल है, बुल है ना, ये क्या है ये पशुओं के नाम है, जितने पशु हैं सबका नाम इसमें आता। पक्षियों के नाम पैरट है, काइट है, पीगन है, क्रो है, स्पैरो है, जितने भी पक्षियों के नाम है सब नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आइए बी पर, स्थान के नाम, स्थान आगरा, गोरखपुर, कुशीनगर, कसिया, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, क्या है स्थान के नाम है। सी पर आइए वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम के अंतर्गत इसमें वस्तु, नदियों, पहाड़ों, पुस्तकों, महीनों, दिनों, खाड़ियों, समुद्रों तथा प्राकृतिक पदार्थों के नाम भी आते हैं, यानी वस्तु एक व्यापक शब्द है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जिसमें कुछ यहाँ लिखे गए वस्तुओं के नाम है, टेबल है, चेयर है, हाउस है, बुक है, ये सारी चीजें वस्तुओं के विषय में आप जानते ही हैं। नदियों के नाम यमुना, गंगा, गोमती, सरस्वती, नर्मदा, ये क्या है जितनी नदियां हैं सब उसके नाम। पहाड़ों के नाम हिमालय, आल्प्स, अरावली इत्यादि जितने भी पहाड़ हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि इसमें कुछ बाकी लग जा रहे हैं तो अगले वाले वीडियो के अंतर्गत उसको समझाया जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि नाउन है क्या, यानी ये जो चैप्टर इसमें आया है तो मुख्य रूप से आपने यह देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत वाक्य शब्दों से बनता है और वाक्य के अंतर्गत शब्द विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जो कार्य शब्द करते हैं उसके अनुसार पूरे शब्दों को 9 भागों में बांट दिया गया, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, जिसमें पहला होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, फिर तीसरा वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ये 9 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जिसमें आपने नाउन के विषय में देखा उसकी परिभाषा, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, मतलब नाउन किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य के नाम को आप नाउन कहते हैं। वस्तु एक व्यापक शब्द है जिसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, आप अथवा महसूस कर सकते हैं, सब कुछ उसी के अंतर्गत आ जाता है। और बाकी आपके उदाहरण आपके सामने लिखे गए हैं, बाकी अगले वीडियोस के अंतर्गत उसे समझा दिया।